क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एन प्लस एल रूल, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, ठीक है। तो एन प्लस एल रूल, ठीक है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो देखिए एन प्लस एल, ठीक है, हियर दिस एन इज क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस एल इज नथिंग बट ए जी म्यूथल क्वांटम नंबर, ओके। अच्छा, तो n प्लस एल रूल समझाने से पहले मैं आपको इसकी इम्पॉर्टेंस समझाता हूँ कि n प्लस एल रूल की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो देखिए n प्लस एल रूल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से रिलेटेड है, ओके। मतलब अगर मैं n प्लस एल रूल पढ़ देता हूँ तो मैं इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने में एबल हो जाऊँगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, ठीक है। सोचिए आपको खूब सारे ऑर्बिटल्स के ढेर दे रखे हों और आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि बताइए इनमें से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा या जा सकता है, तो फिर आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एन प्लस एल रूल की, ओके। तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट लिखने की बात करें तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, इस रूल की इम्पॉर्टेंस, कि इस रूल की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हम लिखेंगे कि दिस रूल इज रिलेटेड विद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके। तो n प्लस एल रूल की मदद से मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इस रूल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि इस रूल को यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि दिस रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओके। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये रूल सिर्फ और सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पर लागू होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स कहने का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, ओके। अब जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये रूल उस पर लागू नहीं होता, ठीक है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ लागू होता है किन पर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, ठीक है। अच्छा, तो अब एंटर हम इस बात पे करते हैं कि एन प्लस एल रूल होता क्या है, ओके। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो देखिए अगर मैं बात करूं एन प्लस एल की, तो एन प्लस एल का जो सम होता है, ठीक है, this gives us idea about energy of atomic orbitals, कि आखिर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, ठीक है। तो n प्लस एल का जो सम होता है ये मुझे ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में आइडिया देता है, और आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है ऑर्बिटल्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करता है, ठीक है। तो ये बात भी हम यहाँ नीचे लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इन दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जी एंड देन टू हायर एनर्जी, ओके। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एंटर होते हैं और उसके बाद वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आपको पहले क्या समझना होगा, एन प्लस एल
रूल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि आपको ये इतना पार्ट जरूर याद रखना है कि n प्लस एल का जो सम होता है, दिस गिव्स अस आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि इसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी इन्हीं को मोटे बनाते हुए ही हम आगे बात कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इतनी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कि n प्लस एल रूल क्या होता है। तो n प्लस एल रूल को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ पार्ट इज अवर इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज डिफरेंट, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज डिफरेंट, ओके। फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग से मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए मुझे दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे रखे और मुझसे पूछे कि बताइए आपके इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पहले एंटर करेगा, तो उसकी प्रेडिक्शन मैं n प्लस एल रूल की मदद से कर सकता हूँ। बट उन ऑर्बिटल्स के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, हो सकता है उनके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही हो, या फिर हो सकता है उनके लिए n प्लस एल की वैल्यू डिफरेंट हो, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह से हम फर्स्ट केस क्या पढ़ेंगे कि इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज डिफरेंट। हेयर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि n प्लस एल मुझे एनर्जी के बारे में आइडिया देता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगर n प्लस एल की वैल्यू डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे, सो वी विल से दैट कि देन मतलब कब, जब n प्लस एल की वैल्यू डिफरेंट है तब इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इन दोज ऑर्बिटल फॉर विच n प्लस एल वैल्यू इज मिनिमम, फॉर विच n प्लस एल वैल्यू इज मिनिमम, ओके। तो अगर दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम यानी कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कहा था कि n प्लस एल की वैल्यू मुझे ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में आइडिया देती है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ किस में जाते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम, मतलब उसके उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कैसी, कम, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करेगा, कम एनर्जी और ये ऑर्बिटल में, मतलब जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कैसी है, मिनिमम। अगर इस बात को मैं आपको लिखकर समझाना चाहूँ एक एग्जांपल की हेल्प से, ओके। तो अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, सपोज दैट 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल, ओके, और मुझसे कहता है कि आप बताइए टेल दैट इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल गो फर्स्ट, कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1, ये सब तो आप लोग अब सीख ही चुके हैं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी इनके बारे में डिस्कस किया है। और l की वैल्यू कितनी है, तो l की वैल्यू हम बोलेंगे यहाँ पर है 0, क्योंकि जब l की वैल्यू 0 होती है देन इट इंडिकेट्स s सबशेल, ओके। फॉर दिस n इज इक्वल्स टू 2 एंड s इज इक्वल l इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज अगेन दिस इज s सबशेल। अगर मैं इसके लिए n प्लस एल का सम निकालूं तो ये बराबर है 1 प्लस 0 मीन्स इज इक्वल्स टू 1, और अगर मैं इस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का सम निकालता हूं तो दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, ओके। सो अब मैं क्लियरली बता सकता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तो 1s ऑर्बिटल में। रीजन, क्योंकि इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कैसी है, कम है, मिनिमम है, ओके। तो हम यहां पर बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ 1s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इन 1s
ऑर्बिटल, और इस तरह से यहाँ पर मेरा एक रूल का पार्ट क्या हो जाता है, एंड। ठीक है, आपको समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन अगर एन प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, मिनिमम होगी। ओके, सो दैट इज वन पार्ट ऑफ रूल। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब हम अगला पार्ट इस रूल का डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे रूल का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ये बताया कि ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी। डिफरेंट वैल्यू का केस तो हमने देख लिया, बट अगर सेकेंड केस ये है कि इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम ओके, अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं के लिए n प्लस एल की वैल्यू कैसी हो, सेम हो, एक जैसी हो, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम बोलेंगे देन मतलब कब, जब n प्लस एल वैल्यू कैसी है, सेम है, देन इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर, देन इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इन दोज ऑर्बिटल, इन दोज ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n, ओके। अगर n प्लस l वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए कैसी है, सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनर्जी का केस तो इक्वल है, n प्लस l वैल्यू सेम होने का मतलब दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी है, बराबर है। तो अब इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज कि वो इस ऑर्बिटल में जाए या फिर इस वाले ऑर्बिटल में, तो अब वो क्या करेगा, वो लोअर वैल्यू ऑफ n वाला ऑर्बिटल चुनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए n किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को। n की वैल्यू कम होने का मतलब कि जो शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास में है, ठीक है, और जो शेल न्यूक्लियस के बहुत पास में होगी उसकी एनर्जी भी कैसी होगी, कम होगी, रिलेटिव टू सेकेंड वाले ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट किसको सिलेक्ट करेगा, उस ऑर्बिटल को जिसके लिए n की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे रीजन भी मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज दैट ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल जिसके लिए n की वैल्यू कम है, बिकॉज दैट ऑर्बिटल विल क्लोजर टू न्यूक्लियस, ओके, क्योंकि ये ऑर्बिटल जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन उस e ऑर्बिटल को सिलेक्ट करेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। किस केस में, अगर n प्लस l की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम है। तो अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, ओके, तो मान लीजिए मेरे पास 3s और 2p दो ऑर्बिटल्स हैं, मेरे पास 3s और 2p दो ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, मुझसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इनमें से पहले किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तो ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है कि ओ यार मैं n प्लस एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं n प्लस एल की वैल्यू निकाल कर चेक कर लेता हूँ जिसके लिए कम होगी, मुझे पता चल जाएगा कि उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने बोला n की वैल्यू इसके लिए 3 और l की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए l की वैल्यू कितनी, 1, ओके, अच्छा, इसके लिए n प्लस l की वैल्यू तो 3 प्लस 0 इज 3, और इसके लिए n प्लस l की वैल्यू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 3। ओह, यहाँ तो अब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों, क्योंकि n प्लस l की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने सेकेंड केस क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो मुझे पता है कि अगर कभी मेरे सामने ऐसा केस आया कि n प्लस l की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो गई, तो मैं किसे चुनूंगा, लोअर वैल्यू ऑफ n वाले ऑर्बिटल को, ठीक है, उसमें ही इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। तो n की वैल्यू इनमें से कम किसके लिए है, फॉर दिस ऑर्बिटल, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर किस में, 2p ऑर्बिटल में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में, 2p
ऑर्बिटल में। ओके, तो इस तरह से मैं एन प्लस एल रूल की मदद से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, बट सम ऑफ टीचर्स इसे छोड़ देते हैं, बताते नहीं है कि ये क्या करोगे आप जानकर, बट इस रूल की इंपॉर्टेंस काफ़ी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के फीलिंग्स के साथ डील करता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं एन प्लस रूल के ऊपर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एन प्लस एल रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। ओके, आपको क्या कर रहा है कि आपको ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको किसमें दिए हुए हैं, उनके एड्रेस के फॉर्म में। हमने अपनी क्वांटम नंबर वाली वीडियो में कहा था ना कि हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। तो ये आपको देखिए एन एल एम और एम एस यानी स्पिन मैग्नेटिक एजीमिथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, और इन ऑर्बिटल्स को आपको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के फॉर्म में। क्वेश्चन समझ गए आप? तो जब भी आपको क्वांटम नंबर दे और आपसे एनर्जी की बात करे तो आंख मूंद कर से मतलब ये नहीं कि आंख मूंद लीजिए तो आपको क्वेश्चन ही ना दिखे, मतलब बिना कुछ और सोचे आपको बस सीधे सीधे क्या अप्लाई करना होगा, एन प्लस एल रूल। ओके, तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। तो अगर मुझसे एनर्जीज की बात कर रहा है तो इन दो साइड्स को इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ किस दो साइड्स पर ध्यान रखूंगा, एन और एल पर, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू मुझे क्या देगी, एनर्जी। ओके, तो इस वाले ऑर्बिटल के लिए अगर मैं एनर्जी की बात करूं, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कितनी है, एन इज फोर एंड एल इज टू, फोर प्लस टू कितना, सिक्स। ओके, इस वाले के लिए अगर मैं बोलूं तो थ्री प्लस टू कितना, फाइव। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो फोर प्लस वन इज अगेन फाइव। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही में मिक्स कर दिया है। देन अगेन थ्री प्लस टू, ये भी कितना, फाइव। ओ अगेन अ गुड क्वेश्चन। देन एन इज इक्वल टू थ्री एंड एल इज इक्वल टू वन, दिस इज नथिंग बट फोर। एंड लास्ट वन इज फोर प्लस वन कितना, फाइव। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ गई एन प्लस एल वैल्यूज, मतलब एनर्जी। ठीक है, हमसे कह रहा है कि आप इन्हें अरेंज करिए ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज के फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज के फॉर्म में। अच्छा, अगर इंक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में कह रहा है तो हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, लोअर एनर्जी वाला, देन उससे ज़्यादा और लास्ट में सबसे मैक्सिमम वाला। तो सबसे पहले जिसकी एनर्जी सबसे कम है, तो यहाँ पर जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है उसी की एनर्जी सबसे कम है, तो वो कौन है, फोर। और फोर मतलब कौन, e वाला। तो हम बोलेंगे कि e वाले की एनर्जी कैसी है, सबसे कम है। ओके, देन उसके बाद इससे ज़्यादा, तो यहाँ पर सिक्स है और फाइव है, बट यार फाइव तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए है ना। तो अगेन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि n प्लस एल की वैल्यू सेम है, n प्लस एल की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि आखिर कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ n की वैल्यू के पास आएँ तो आप देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4। तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ किस में गया होगा, लोअर एनर्जी, मतलब n इज इक्वल्स टू 3 वाले में। बट अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी n प्लस एल वैल्यू अगेन कितनी है, 5, और एनर्जी सॉरी कहाँ पर, ये वाला, तो अगेन यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, और यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी है, 3, और n प्लस एल वैल्यूज का सम कितना है, 5। ठीक है, तो अब आप यहाँ कैसे बोलेंगे, क्योंकि n की वैल्यू भी सेम है तो, और इलेक्ट्रॉन मेरा किस में एंटर करेगा। तो बिना सोचे समझे अगर n की वैल्यूज भी दोनों के लिए सेम है तो मैं बोलूँगा, और n प्लस एल वैल्यूज भी सेम है तो मैं क्या बोलूँगा कि दोनों ऑर्बिटल यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी है, इक्वल है। ओके, ठीक, तो यहाँ पर ई सबसे छोटा, देन इसके बाद कौन, बी और डी वाले की एनर्जीज आपस में कैसी हैं, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इनकी n प्लस एल वैल्यूज भी सेम है, एज वेल एज इनके लिए n की वैल्यूज भी सेम है। ओके, इसलिए इनकी एनर्जी कैसी है, इक्वल। अच्छा, देन अगेन मेरे पास 5 के लिए दो वेरिएशंस हैं, n इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 4 अगेन यहाँ पर भी। तो 3 के बाद तो इलेक्ट्रॉन जाहिर बात है इन्हीं 4 वाले ऑर्बिटल्स में गया होगा, क्योंकि इनके लिए भी n प्लस एल वैल्यूज का सम कितना है, 5 के बराबर।
ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, एज वेल एज इनके लिए n प्लस l वैल्यूज के सम भी कैसे हैं बराबर, मतलब इनकी एनर्जीज भी कैसी हैं आपस में इक्वल। तो c एज वेल एज f इन ऑर्बिटल्स की, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी आपस में कैसी हैं, इक्वल है। ओके, एंड लास्ट वन इज ए वाला, ए वाले के लिए n प्लस l की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, मतलब इसके पास एनर्जी कैसी है, सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे लास्ट में गया होगा, समझ में आ गई बात। और जो सबसे लास्ट में गया है मतलब उस ऑर्बिटल में एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इस ऑर्बिटल में रहने के कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कैसी होगी, सबसे ज़्यादा। तो ये है मेरा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके अगेन फिर से एक बार इस क्वेश्चन को अगेन रिवाइज करके देख लीजिए, ओके, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास में अच्छा लगा, आपको मज़ा आया, तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, सो गुड बाय, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।